देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। सरकार को कानून बनाने का अधिकार है और देश की प्रजा को उसका सम्मान करना चाहिए। भारत सरकार ने जो नागरिकता संशोधन बिल पास करके जो कानून का रूप दिया है वो किसी भी तरह से इस देश के मुसलमानों के विरुद्ध नहीं है। मैं जामा मिलिया के छात्रों से भी अपील करता हूँ कि वो किसी भी परिस्थिति में कानून अपने हाथ में ना लें। भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, यही हमारी ताकत है। किसी भी प्रजातांत्रिक देश में जनभावनाओं का सम्मान उतना ही आवश्यक है जितना संविधान का सम्मान। सरकार को कानून बनाने का अधिकार है और देश की प्रजा को उसका सम्मान करना चाहिए, परंतु सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि जनभावनाओं का सम्मान करे, ऐसा कोई कानून न लाए जिससे जनभावनाएं आहत हों, देश की एकता और सामाजिक भाईचारा धर्म भ्रम हो। भारत सरकार ने जो नागरिकता संशोधन बिल पास करके जो कानून का रूप दिया है वो किसी भी तरह से इस देश के मुसलमानों के विरुद्ध नहीं है, और इस कानून से भारत में रहने वाले किसी भी मुसलमान को डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनकी नागरिकता को किसी भी प्रकार का ख़तरा है। परंतु देश में इस बिल को लेकर उपजे विवाद को और देश के मुस्लिमों में फैलाए जा रहे डर और भ्रम को दूर करने की आवश्यकता है। देश के मुसलमानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, जिन भावनाओं को देखते हुए भारत सरकार को ऐसा हाई पावर कमेटी का गठन करना चाहिए कि यह कमेटी पूरे देश में भ्रमण कर लोगों से मिलकर उनकी बातें सुन ले, इस बिल के बारे में उनके डर उनकी शिकायत को सुनकर एक तथ्यात्मक रिपोर्ट सरकार को दे, सरकार उसे संसद में रखे और सबकी भ्रांति और उनके डर को दूर करने के बाद ही इस बिल को लागू किया जाए, जब तक के लिए इस बिल को लागू होने से रोका जाए। क्योंकि दया, मदद और रहम यदि धर्म के आधार पर होने लगे ये तो दुनिया विनाश की ओर जाएगी। जामिया मिलिया में जो कुछ हुआ वह बहुत दुख देने वाली घटना है। मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि वो पुलिस को एक गाइडलाइन जारी करे कि किसी भी शिक्षण संस्थान में बल प्रयोग न करें और न उनकी तरफ से बल प्रयोग किया जाए। जामिया मिलिया के छात्रों के साथ आतंकवादियों और अपराधियों जैसा बर्ताव न किया जाए, वह तो जो हुआ वह निंदनीय है। मैं जामिया मिलिया के छात्रों से भी अपील करता हूँ कि वो किसी भी परिस्थिति में कानून अपने हाथ में ना लें। आप लोग हमारे देश का भविष्य हैं, आप ही को आगे चलकर इस देश का नेतृत्व करना है। आपसे आपके माता पिता और परिवार की उम्मीदें हैं। हम सब आपके साथ हैं, जो भी बात हो कानून के अधीन रहते हुए की जाए तो वो सबके लिए पूरे देश के लिए अच्छी बात होगी। साथ ही मैं समस्त देशवासियों से अपील करता हूँ कि देश में अमन अमान कायम रखते हुए कानून अपने हाथ में न लें, देश की एकता और अखंडता बनाए रखें और देश को तरक्की के रास्ते पर गामजन करें। आमीन।